दूर किसी जंगल में एक कबूतर रहता था, जिसकी दोस्ती बहुत सारे पक्षियों से थी। वो सब एक ही जंगल में मिलजुल कर रहते थे। कबूतर की उड़ान सबसे ऊंची थी, इसलिए उसे अपनी उड़ान पर बहुत घमंड था। एक दिन कबूतर उड़ता उड़ता ऊंची चट्टानों की तरफ चला जाता है। वहाँ माही चील रहती थी। ये जगह तो बहुत सुंदर है, यहाँ से पूरे जंगल को देखा जा सकता है। चील दी, आप कब से यहाँ रह रही हो? मैं तो लंबे समय से यहाँ रह रही हूँ। यहाँ से सब देख सकते हैं, किस पेड़ पर फल लगा है, दाना कहाँ है, यहाँ से सब दिखता है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मैं भी यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, तुम्हें अपने दूसरे दोस्तों को छोड़ना होगा अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो। कुछ सोचे बिना कबूतर चील की बात मान लेता है। मुझे स्वीकार है, मैं सबको छोड़ दूंगा। मैं ऊंची चट्टान पर रहने के लिए सबको छोड़ दूंगा। मैं अभी अपने दोस्तों को बता कर आता हूँ। फिर कबूतर वहाँ से उड़ता है और नीचे जंगल की तरफ जाता है। कबूतर भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर चट्टानों के ऊपर चील के साथ रहोगे? हाँ चिड़िया, मैं ऐसा ही करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ। ऐसे चिड़िया को बताने के बाद कबूतर मिट्टू और कौवे के पास जाता है और उन्हें भी बता देता है। वो चील मेरी दोस्त बन गई है, हैरान हो ना तुम, मुझे पता है, मगर उसे मेरी ऊंची उड़ान बहुत पसंद है, मैं चील के साथ ही रहूंगा। वो चील किसी की दोस्त नहीं है, समय आने पर वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हें हमारी याद बहुत सताएगी। जब समय आएगा तो देखा जाएगा, मगर अब मैं जा रहा हूँ। ऐसे कबूतर अपने पुराने दोस्तों को छोड़कर ऊंची चट्टानों पर चील के पास चला जाता है। मेरे नए दोस्त, लो ये फल खाओ, ये फल तुम्हारे लिए हैं। कबूतर बहुत खुश था, क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गया था। दोस्त तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें अब उड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने भोजन के साथ साथ तुम्हारा भोजन भी ले आया करूँगी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कबूतर चील के घोंसले में ही सोया रहता, वो कहीं भी ना जाता और चील उसे घोंसले में छोड़कर भोजन लेने चली जाती। बहन, अब मैं चलती हूँ, कबूतर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ भी बहन कि कब खाएंगे उस कबूतर को? अभी वो उड़ सकता है, वो भाग जाएगा, बस ऐसे ही कुछ दिन और उसे घोंसले में रखना होगा, अपने पुराने दोस्तों से अलग, उसे आलसी बनाना होगा और फिर जब वो आलसी बन जाएगा तो वो उड़ नहीं सकेगा और हम दोनों बहनें आसानी से उसे खा लेंगी। फिर वो चील वापिस चट्टानों की तरफ चली जाती है। कबूतर भी चील का लाया हुआ फल खाता और सो जाता, वो ना उड़ता ना कोई काम करता। उसे उड़े हुए भी कई दिन हो गए थे, वो दिन ब दिन आलसी बनता जा रहा था। एक दिन जब चील घोंसले में ना थी तो कौवा वहाँ आता है। कबूतर जी, अभी मेरी बात मान लो और वापस जंगल में आ जाओ, ये चील किसी की दोस्त नहीं होती, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम सब जलते हो कि मुझे बैठे बिठाए भोजन क्यों मिल रहा है, तुम मेरी दोस्ती से जलते हो। तो फिर इंतजार करो उस दिन का जब वो चील तुम्हारा मांस खा जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। कौवा चला जाता है। 10 दिन और गुजर जाते हैं। चील बहन, समय आ गया जब हम दोनों बहनें भी मांस खाएंगी, वो कबूतर अब उड़ नहीं सकेगा, वो इतना आलसी हो गया है कि धूप में ही सोया रहता है। रुको, मैं नमक ले लूं, मैं तो नमक लगा कर खाऊंगी उस कबूतर को। फिर माही चील अपनी बहन को साथ लेकर चट्टान की बुलंदी की तरफ जाती है। बहुत स्वादिष्ट होगा इस कबूतर का मांस तो। क्या कह रही हैं आप? चील, मेरी दोस्त चील आपको मार देगी। दोस्त? कौन दोस्त? मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ, ये तो एक जाल था तुम्हें फंसाने का। मेरी उड़ान ऊंची है और मैं तेज उड़ सकता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ आने वाला नहीं हूँ।
ऐसा कहते हुए कबूतर जैसे ही उड़ता है वो नीचे गिर जाता है क्योंकि वो तेज उड़ना भूल चुका था। जब पक्षी इतने आलसी बन जाएं तो वो उड़ना भूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए दोनों चील बहनें कबूतर को मारकर खा लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्ती हमेशा अपने बराबर के लोगों से करनी चाहिए, नहीं तो हम किसी मुश्किल में भी पड़ सकते हैं। आसमान पर गहरे बादल और तेज हवा देखकर चिड़िया बहुत डरी हुई थी। वो बहुत तेजी से अपने घर की तरफ उड़ती जा रही थी। गुड़िया बेटी, जल्दी से मुझे लालटेन दो। मम्मा, क्या हुआ है? आप इतना घबराई हुई क्यों हैं? बेटी, बादल घने हैं और साथ तेज हवा भी। हमारे लालटेन में तेल नहीं है। मैं जल्दी से लालटेन में तेल डलवा कर लाती हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को बताकर जल्दी से अपने घर से निकलती है। मम्मा चिड़िया सीधी कौवों के घर जाती है। चिड़िया कौवों के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे भैया, जल्दी से दरवाजा खोलें, जल्दी करें। चिड़िया, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है? गोरी बहन, मुझे थोड़ा सा तेल दे दें। मेरी लालटेन में तेल नहीं है। बारिश भी शुरू होने ही वाली है। मेरी बेटी अंधेरे में बहुत डरती है। अंदर आ जाओ चिड़िया। गोरी कौवी चिड़िया को घर के अंदर ले जाती है, मगर कालू कौवा गोरी से कहता है, नहीं गोरी, चिड़िया से मेरी पुरानी दुश्मनी है। मैं चिड़िया को अपने घर से कोई चीज नहीं दूंगा। चिड़िया, तुम भाग जाओ यहाँ से। पड़ोसन है हमारी, चिड़िया है तो फिर क्या हुआ? है तो पक्षी ही। कालू भैया, अगर आज आप मेरी मदद करेंगे तो कल मैं भी आपकी मदद करूँगी। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। चिड़िया बेचारी वहाँ से चली जाती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? रास्ते में जाते हुए चिड़िया ऐसे सोच रही थी। फिर चिड़िया उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती में पहुँच जाती है और चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, मेरी बेटी बहुत छोटी है। बारिशों के मौसम में मेरी बेटी बहुत डरती है और मेरी लालटेन में तेल भी नहीं है। मुझे गरीब पर कृपया करें और मेरी लालटेन में थोड़ा सा तेल डाल दें। ये सुनकर किसान की पत्नी हंसने लग जाती है। चिड़िया, क्यों इतना परेशान हो? मैं आपको अभी तेल दे देती हूँ। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मैंने तो सुना था कि इंसान बुरे होते हैं, लालची होते हैं, मगर आप तो ऐसी नहीं हैं। मैं जब भी आपके पास मदद के लिए आई हूँ, आपने कभी मुझे खाली नहीं मोड़ा। हम इंसान एक जैसे नहीं होते। हाँ, कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद नहीं करते और बहुत लालची होते हैं। फिर चिड़िया किसान की पत्नी से लालटेन में तेल डलवा कर वहाँ से चली जाती है। चिड़िया बहुत तेज उड़ती है। जैसे ही चिड़िया अपने घर के पास पहुँचती है, बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया घर जाकर अपनी लालटेन जला लेती है। घर में रोशनी देखकर चिड़िया की बेटी बहुत खुश थी। मैंने कर लिया, मैंने अपनी बेटी के लिए रोशनी का बंदोबस्त कर लिया। अब हम माँ बेटी आराम से रात गुजारेंगी। मम्मा, क्या आपको भी अंधेरे से डर लगता है? हाँ मेरी बेटी, रोशनी सभी को अच्छी लगती है। कौवा और कौवी भी अपने घर में अपनी लालटेन जलाए बैठे हुए थे। सामने खिड़की में से चिड़िया के घर में रोशनी देखकर कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, गोरी देखो तो, चिड़िया के घर से रोशनी आ रही है। उसने अपनी लालटेन में तेल कहाँ से डलवाया होगा? पति जी, सारे पक्षी हमारे जैसे तो नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं। किसी ने तो उसे तेल दे ही दिया होगा। बारिश का पानी पेड़ों के पत्तों से टपक रहा था और बादल की गर्ज जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। मिठू तोता और हरियाली तोती भी बारिश से बचने के लिए चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया बहन, हमारे घर की छत टपकने लगी थी, इसलिए हम आपके पास आ गए। आपने बहुत अच्छा किया। अब हम सारी रात गप्पे लगाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। इतने में कबूतर भी वहाँ आ जाता है।
बाहर तो तूफान है तूफान। मैं भी मिठू और हरियाली को देखकर इधर ही आ गया हूँ। तेज हवा के झोंके से कौवे की लालटेन गिरकर टूट जाती है और उनके घर में अंधेरा हो जाता है। गोरी कहाँ हो तुम, मुझे नजर नहीं आ रही हो। मैं यही हूँ कालू, तुम्हारे पास ही। तुमने चिड़िया के घर में अंधेरा करना चाहा था, देखो अब हमारे घर में ही अंधेरा हो गया है और चिड़िया के घर में रोशनी भी है और कैसे सब गप्पे लगा रहे हैं। बोरी मैंने बहुत बुरा किया जो आज चिड़िया को अपने घर से भगा दिया। अगर ऐसा ना किया होता तो आज की रात हम भी उन सब पक्षियों के साथ मस्ती करते। ऐसे कौवा और कौवी अंधेरे में रात गुजारते हैं और दूसरी तरफ चिड़िया और उसके दोस्त रोशनी में बैठकर बारिश को एंजॉय करते हैं और सारी रात बातें करते हैं।